आज के इस वीडियो में आप जानोगे कि मेष राशि वाले जातक किस तरह के होते हैं, उनकी ये राशि उन लोगों के व्यक्तित्व में क्या क्या खासियत डालती है, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे होते हैं, क्या कमियां होती हैं, क्या खासियत होती है, हर एक चीज़ आप डिटेल में जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। मेष राशि वाले जातकों की अगर बात करी जाए तो मेष राशि वाले जातकों को तीन चीज़ें से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनकी राशि का जो मालिक होता है वो मंगल होता है, ये एक फायर एलिमेंट की राशि है। दूसरा, इस राशि का जो सिंबल है वो कभी आपने ध्यान से देखा होगा तो एक मेड़ा है या भेड़ जिसको आप बोलते हैं, शीप, वो सिंबल है। अब ये तीनों चीज़ें मेष राशि को क्यों दी गई, पहला क्वेश्चन। दूसरा, मेष राशि 12 राशि में नंबर 1 राशि है, क्यों ऐसा इसको नंबर 1 राशि देने के पीछे का कारण क्या था, इसको भी आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेष राशि वाले लोगों को अगर आपको समझना है तो आप ये दो लाइनें समझ लीजिए, आपको इनके पर्सनालिटी का एक सार पता चल जाएगा। क्यों सोचे कल की, कल जो होना है वो तो हो ही जाएगा, लेकिन उसकी फिक्र में तो बेवजह अपना आज गंवाएगा। अरे जो मिला है इबादत कर उसकी, हसरतों की सिलवटों में तो हर कोई पिस जाएगा। यही मेष राशि वाले जातकों की कहीं ना कहीं कहानी है, जो कि इस बात पे यकीन करते हैं कि ज़िंदगी में कल क्या होगा, क्या करें, कोई फैसला ले या ना ले, कोई रिस्क ले या ना ले, इसमें यकीन नहीं रखते। दे फॉलो कि अगर भाई कुछ करना है तो चलो कर देते हैं, रिजल्ट जो भी होगा देखा जाएगा। आपको ये लोग अक्सर ये बोलते हुए भी मिलेंगे, जो होगा देख लेंगे, ठीक है। मेष राशि का जो सिंबल है ना, ये शीप, मेढ़ा जिसकी हमने बात करी, इस शीप को या इस भेड़ को अगर आप देखोगे ना, बहुत इनोसेंट होती है, बहुत इनोसेंट नज़र आती है, लेकिन बहुत एनर्जेटिक होती है, इधर उधर उछलते कूदते फुदकते आपको मिल जाएगी। और यही सारी क्वालिटी मेष राशि वालों के अंदर होती है कि दे लुक इनोसेंट बट दे आर द मोस्ट एनर्जेटिक पर्सन इन द रूम। बहुत एनर्जी होती है उनके अंदर, ये एनर्जी कई कई बार एंगर में भी कन्वर्ट हो जाती है, एंगर में कन्वर्ट हो जाती है, और कई कई बार एग्रेशन में भी कन्वर्ट हो जाती है। एग्रेशन का क्या मतलब है, ये लोग फैसले बहुत जल्दी ले लेते हैं, और कई बार तो इतनी जल्दी ले लेते हैं कि बहुत ठीक से उस पर सोचते भी नहीं है, क्योंकि जब बात कोई डिसीजन लेने की आती है, कोई रिस्क लेने की आती है, मेष राशि वाला जातक कहता है कि यार फैसला लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, बुरा होगा तो भी ठीक है, अच्छा होगा तो भी ठीक है। एक्चुअली में ये लोग सोचते कम हैं, एक्शन ज़्यादा लेते हैं, थिंक लेस डू मोर की फिलॉसफी पे यकीन करते हैं। थोड़ा डीपली आप इनको समझोगे ना तो ये श्री कृष्ण की फिलॉसफी, कर्म करे जा भाई फल की चिंता मत कर पे भी यकीन करते हैं। लेकिन अब डिपेंड करता है कि इनके फैसले किस तरीके के हैं। देखिए, अब हर फैसला तो ठीक होगा नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ भी हो जाएगा। मेष राशि वाले जातकों को एक चीज़ ये भी देखी गई है, इल्यूजन उन्हें बहुत परेशान करता है। उनके थॉट में, उनके थॉट प्रोसेस में एक चीज़ चलती रहती है कि यार मुझे एक्शन लेना है, मुझे कुछ काम करना है, और लगता है ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, इसे बिल्कुल कर देते हैं, बट बिकॉज पूरी रिसर्च नहीं करी है, थॉरली उस पर डीपली एनालाइज नहीं किया गया है, इसलिए अक्सर इनके काफ़ी फैसले रिवर्स अटैक भी कर देते हैं, खास तौर पे रिलेशनशिप के मामले में। लव रिलेशन में ये अक्सर देखेंगे कि इनके इल्यूजन ने जो फैसला दिलवाया है इनको, जो भ्रम पैदा किया था इस राशि ने उनके दिमाग में, इनके फैसले रिवर्स हो जाते हैं। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को ये मेरी एडवाइस है कि कुछ भी करें ना, थोड़ा सा टाइम निकालें, सोच विचार लें, एनालाइज कर लें, फिर अपने मुँह से कुछ बोलें या कोई रिस्क आप एक्सेप्ट करें। इनको लाइफ में बड़े चैलेंजेस पसंद होते हैं, आप इनको कोई चैलेंजेस दो कि भाई ये पहाड़ तोड़ना है, ये पहाड़ को जाएंगे छीनी हथौड़े से तोड़ने लगेंगे, बट ये आपको भी कहेंगे कि हथौड़ी पकड़ो आओ मेरे साथ पहाड़ तोड़ो। क्यों? क्योंकि मेष राशि वाला जातक काम करवाना भी जानता है। मेष राशि वाले जातक अथॉरिटी है ना, 3 A याद रखिए, एंगर, एग्रेशन और अथॉरिटी, ये मेष राशि के जातकों की फिलॉसफी है। तो अगर ये खुद कोई काम कर रहे हैं तो काम लेना आता है, चैलेंज लेना आता है, तो दूसरों से काम करवाना भी आता है। ये क्वालिटी इनके पास बाय बर्थ होती है। एक क्वालिटी और होती है बाय बर्थ, लीडरशिप। ये एक लीडर होते हैं, ये आपको किसी छोटे घर में छोटे बच्चे भी दिखेंगे ना तो दे एक्ट लाइक कि कोई नेता है घर में, कोई एक लीडर है घर में, जो कि हर कोई बड़ा हो छोटा हो चाहे अपनी खुद की एज का हो उसको भी डायरेक्ट करने से पीछे नहीं हटते। मेष राशि वाले जातक फायर एलिमेंट की वजह से एग्रेसिव हो जाते हैं, इनका गुस्सा कई बार इतना तेज हो जाता है, इतना तीखा हो जाता है कि लोग इनके गुस्से के सामने टिक नहीं पाते, और इनके गुस्से से तौबा तौबा भी करते हैं कि इनका गुस्सा ना देखने को मिले, बाकी सब तो ठीक है। मेष राशि वाले जातक अपने लाइफ में बहुत सफल हो सकते हैं, इनको बस एक छोटी सी क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी है, और वो क्वालिटी है कि फैसले लेने से पहले सोचना विचारना बहुत ज़रूरी है।
ये लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में फंसते नहीं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में डूबते नहीं है, इस वजह से भी इनके सफल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बस इनको इल्यूजन बहुत परेशान करता, भ्रम की स्थिति इनके दिमाग में इनको बहुत परेशान करती है। अगर मेष राशि के एक और सिंबल को अगर आप देखो तो इस तरह से सिंबल निकलता है फवारे की तरह। इसको एंकर भी समझ सकते हो कि जो नाव को जहाज को रोकने के लिए पानी में डाला जाता है, उस तरह का ये सिंबल इनको दिखता है। ये चीज़ों को बांधने के लिए ये इस्तेमाल होता है, ये चीज़ों को पकड़ कर रखने के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहीं से इनकी एक और क्वालिटी निकल कर आती है। मेष राशि वाले जातक लोगों को बांध कर एक लीडर की तरह एक बड़ी टीम को भी बड़ी मुसीबत से भी बाहर निकाल सकते हैं और उसे लीडर की लीड कर सकते हैं, उसे ट्रेन कर सकते हैं, उसे कुछ सिखा सकते हैं, और तो और ये एक बड़े हुजूम के सामने एक अच्छे वक्ता की तरह भी पेश आ सकते हैं। ये इस एंकर की तरह बड़े मजबूत यानी कि बड़े विल पावर वाले भी होते हैं। एक बार जो ठान लिया उसे पूरा करके ही दम लेंगे। और ऐसे लोगों ने अगर अपना कोई रास्ता बना लिया है और उस रास्ते पर कोई नहीं चल रहा है, मेष राशि वाला अकेला उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। आप अगर इस एंकर के साइन को डीपली समझोगे ना, तो ये फुव्वारे की तरह है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा फसल में, पानी में या गार्डन में बीच में लगाया जाता है और इस तरह से फुव्वारा निकल कर आता है। ये फोर्स जनरेट करता है जिससे चारों साइड में हर जगह पानी बहता है। कहने का मतलब ये है कि जब ये लोग कुछ बड़ा करते हैं ना, तो पूरी दुनिया देखती है, उसका इफेक्ट चारों तरफ फैलता है। इतना बड़ा इम्पैक्ट ये लोग करने के काबिल होते हैं। ये अपनी कम्युनिटी के, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उस पर भी इम्पैक्ट डालते हैं, एक एग्जाम्पल सेट करते हैं आने वाली जनरेशन के लिए, क्योंकि ये लोग लिमिटलेस हो जाते हैं। इन्हें रिजल्ट की तो पहले से ही चिंता नहीं थी, और जिन्हें रिजल्ट की चिंता नहीं होती वो अक्सर अपना बेस्ट देते हैं और ओरिजिनल रहते हैं। इसलिए मेष राशि वाले जातकों से ज़्यादा ओरिजिनल व्यक्ति आपको शायद ही इस दुनिया में कोई मिले। ये बहुत ज़्यादा बाबू सोना नहीं करेंगे आपका कि अरे यार मान जाओ, मेरी बात मान जाओ, पसंद हो तो ठीक है बैठो यहाँ पे, नहीं तो जय श्री राम। आपकी कमियाँ आपके मुँह पे गिनवाने से पीछे नहीं हटता कभी मेष राशि वाला जातक। उसे नहीं चाहिए कि उस दुनिया उससे खुश रहे, उसको चाहिए कि जो भी कमी है तो भी मुंह पे सुन लो, जो अच्छाई है वो भी मुंह पे सुन लो। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया ना कि मंगल का प्रभाव बहुत होता है, इसलिए फेयरलेस होता है, बहुत जल्दी घबराते नहीं है, बहुत जल्दी डरते नहीं है, और डट कर सामना करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए। खासतौर पर अगर इनकी फैमिली पर कोई प्रॉब्लम आ गई है ना, तो मेष राशि वाला जातक पहला होगा जो अपना सीना सामने करके कहेगा कि आओ देखते हैं क्या होता है। एक बार जो कमिटमेंट कर देते हैं फिर ये अपने आप की भी नहीं सुनते, अपने वादों के, अपनी बातों के बड़े पक्के होते हैं। और सबसे चीज, जिस व्यक्ति के पास अथॉरिटी है, जिस व्यक्ति के पास एंगर है, एग्रेशन है, लीडर है, ऐसे व्यक्ति का सम्मान सबसे प्रिय होता है। मेष राशि वाले जातक अक्सर आपको उसी चीज़ से चिढ़ते हुए नजर आएंगे जिनमें इनके सम्मान के साथ समझौता हो जाएगा। ये अपने सम्मान के साथ, अपनी इज्जत के साथ कभी समझौता कर ही नहीं सकते। आप इनको पैसे दे दो और कह दो कि इज्जत बिल्कुल जीरो, कहेंगे अपना पैसा रखो, इज्जत मेरे पास, मेरी इज्जत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। यही वजह है कि इस राशि की गिनती उन लोगों में की जाती है जो कि अक्सर हर चीज़ में आगे रहते हैं। अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत इन्हें होती नहीं है क्योंकि ये अपने रास्ता खुद बनाते हैं। अमिताभ बच्चन वाली लाइन नहीं है ना कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती, मेष राशि वाले जातक ने ही लिखी होगी। इनकी ज़िद खुद ब खुद इनके लिए रास्ता बना देती है, ये इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। अब मैंने आपको मेष राशि वाले जातकों के बारे में इतना कुछ बताया, मेष राशि वाले जातकों के बारे में जो बात नहीं कही जाती वो ये है, मेष राशि वाले जातक अक्सर ये महसूस करेंगे कि उनको बेहतर तरीके से समझने वाला कोई जल्दी मिलता नहीं है, और उनका फ्रेंड सर्कल एक उम्र के बाद छोटा होने लग जाता है। क्यों ऐसा होता है? मेष राशि वाले जातक अपने हिसाब से बहुत अच्छे, और मेरे हिसाब से भी आप बहुत अच्छे हो, लेकिन इस दुनिया के हिसाब से शायद आप अच्छे नहीं हैं। ये दुनिया चाहती है कि आप उसकी चाटुकारिता करें, उसकी मीठी मीठी बातें बोलें, उनकी गलतियों को इग्नोर करें और उनकी अच्छी अच्छी चीज़ों को ही देखें, पर आप बाय डिफ़ॉल्ट आपकी प्रोग्रामिंग ऐसी है ही नहीं, आपको जो दिखेगा आप वो उसे बोल दोगे। तो मेष राशि वाले जातकों, मेरा एनालिसिस आपकी राशि के लिए ये था। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितनी बातों से रिलेट किया, क्या क्या बातें आपको बहुत ज्यादा रेजोनेट करी, और आपको अगर लगता है कि कोई बात रह गई है आपकी पर्सनालिटी की तो उसे भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।